नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे आरएस मल्टी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैंने ये बाथरूम की फिटिंग की हुई है। यहाँ पे मैंने ये शावर डाइब्रेटर लगाया हुआ है और यहाँ पे मैंने कंसल्ट सिस्टम और वॉल हैंगिंग सीट का पॉइंट बनाया हुआ है और ये मैंने ये वाश बेसिन डाइब्रेटर यहाँ पर एक लगाया है, एक वाश बेसिन डाइब्रेटर यहाँ पर लगाया है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ किस प्रकार से मैंने क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे लगाई हुई है। ये मेरे पूरे बाथरूम की लंबाई, यहाँ से लेके वहाँ तक की लंबाई, इसकी 9 फुट की लंबाई है, जो कि मैंने यहाँ पे इसको 4.5 फुट एरिया जो है, 4.5 फुट मैंने एरिए के बीच में इसको डाइब्रेटर लगाया है। जो मैंने इसका डाइब्रेटर लगाया है, ये फ्लोर लेवल से 42 इंची पर लगाया है। फ्लोर लेवल से 42 इंची पे मैंने ये डाइब्रेटर लगाया है और 30 इंची पे मैंने इसका स्पाउट लगाया है। जो इसके बगल में आप ये पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट मैंने समर का, जो ताज़ा पानी आता है वो समर का पॉइंट का ये वाला लगाया है। ये हमारा सीलिंग के लिए सावर जा रहा है, ये हमारा डाइब्रेटर का काम ख़त्म हो गया। ये हमारा सीट का एरिया है, जो कि हमारा यहाँ पर बचा 4 फुट। हमने 4.5 फुट इधर निकाल दिया था, 4.5 फुट इधर निकाल दिया था और 4.5 फुट ये बचा उस दीवार से, और ये कंसील्ड सिस्टम लगने के बाद में ये 4 फुट एरिया हमारा बचा हुआ है। 4 फुट एरिया में ये हमारा सिस्टम लगाया, कंसील्ड सिस्टम। ये हमारा सीट के लिए, जो कि हमारा फ्लोर लेवल से 10 इंची पे लगा हुआ है, फ्लोर लेवल से 10 इंची पे लगा हुआ है। ये सिस्टम का पॉइंट बनाया गया है, जो कि इसका सीट का मेजरमेंट करने के बाद में ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। और ये हमारा कंसल्ट वाल है, जो कि सिस्टम के अंदर गया है। इसी के ऊपर हमने इसका गीज़र दे दिया है, इसका गीज़र दे दिया। और ये हमारी पूरी लंबाई बाथरूम की है 5 फुट। ये हमारी पूरी लंबाई यहाँ पे बाथरूम की 5 फुट है। 5 फुट के बाद ये हमने सिस्टम सीट के लिए 3 फुट निकाल दिया एरिया, और इसके बाद हमारा ये एरिया बचा 2 फुट का, जो 2 फुट के सेंटर में ये हमने बेसिन डाइब्रेटर लगाया है। इसकी हमने ज़मीन से हाइट जो ली हुई है, 41 इंची हाइट ली है इसकी, 41 इंची ज़मीन से हाइट ली है। और इसका ये बोतल ट्रैप का पॉइंट भी बन गया है। वैसे ही इस साइड में भी एक वाश बेसिन है, जो कि यहाँ पे भी वाश बेसिन डाइब्रेटर लगाया गया है। ये इसका पुराना फ्लोर लेवल था, इसी फ्लोर लेवल के हिसाब से हमने पूरे बाथरूम का काम किया है। 41 इंची पे इसका भी फ्लोर लेवल पे डाइब्रेटर लगा हुआ है। ये आपको कूप टाइप का दिख रहा होगा, ये 38 इंची है, जो कि 38 इंची का 18 पे इसका सेंटर बनाया गया है। ये 18 इंची सेंटर नल का दिया गया है, जो कि यहाँ पे काउंटर वाश बेसिन लगेगा। तो मैं आप लोगों को इसमें बताता हूँ कि 2 वाश बेसिन क्यों लग रहे हैं। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये 9x9 का पूरा बाथरूम है। यहाँ से हमारा ये पूरा ये एरिया, यहाँ तक जो हमारा कांच का पार्टीशन लगेगा, ये हमारा ड्रेसिंग एरिया हो जाएगा। हमारे इस बाथरूम में वीडियो बनाने में सहयोग किया है वो हमारे ये मिस्त्री साहब हैं, और ये हमारे मिस्त्री साहब हैं जो कि कारपेंटर का काम करते हैं। ये भी हमारे बहुत चहेते आदमी हैं, ये भी हमारे बहुत चहेते आदमी हैं। तो मैं दिल से इन दोनों आदमियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार, ऐसी वीडियो आती रहेगी। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।